आज भारत में आपको हजारों साल पुराने मंदिर मिल जाएंगे। कई मंदिर तो बेहद ही रहस्यमय है। इसका जवाब किसी के पास नहीं कि ये कैसे बनाए गए। इनमें से बहुत सारे तो वास्तुकला का बेमिसाल नमूना है। इसी ने वैज्ञानिकों को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि प्राचीन वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिकों से कम नहीं थे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्राचीन शिव मंदिर की, जिसे हजारों साल पहले 10वीं शताब्दी में बनाया गया। हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे राजा राजराज चोल द्वारा बनाया गया। इसकी ऊंचाई 66 मीटर है और इसे विश्व के सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना जाता है। इसके निर्माण को सुल्तान ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह ग्रेनाइट पत्थरों का बना है, जो बहुत कठोर होता है। इस मंदिर के 60 किलोमीटर के दायरे में कोई चट्टान नहीं है जहाँ से पत्थर लाकर इस मंदिर का निर्माण किया जा सके। इसका सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि इसकी चोटी पर 80 किलोग्राम का पत्थर रखा है, जिसे कुंभम कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस बात पर माथा पच्ची कर रहे हैं कि इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर आज की तकनीक के बिना कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का तो मानना यह है कि मिट्टी का बहुत ऊंचा रैंप बनाकर यह पत्थर चोटी पर रखा गया होगा। इस मंदिर की वास्तुकला का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। इस मंदिर को बनाने के लिए जिस ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें जोड़ने में किसी मिश्रण का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी इन ग्रेनाइट पत्थरों को बिना सीमेंट और बिना मिश्रण के साथ जोड़ा गया है। इन पत्थरों को इस प्रकार काटा गया है कि इनके ब्लॉक एक दूसरे में फिट हो जाए। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इस मंदिर की कोई नींव नहीं है, यानी इसे खोदकर बनाया नहीं गया है, बल्कि इसे सपाट मैदान पर बनाया गया है। पिछले हजारों सालों से 50 से भी ज्यादा भूकंप आ चुके हैं, परंतु इस मंदिर को हिला नहीं पाए हैं। आज पश्चिमी देशों में बनी इमारतें जो केवल 100 सालों में ही टेढ़ी हो गई है, उदाहरण तौर पर पीसा की टेढ़ी टावर और इंग्लैंड के बिग बैन टावर शामिल है, परंतु हमारा शिव मंदिर वैसे का वैसा है जैसा 10वीं शताब्दी में था। भले ही बहुत सारे लोग पश्चिमी देशों के विज्ञान को विकसित मानते हैं, परंतु आज भी बहुत सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि भारत की प्राचीन विज्ञान बहुत ही आगे थी।